हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोगों ने अब तक एमटेक एडमिशंस के लिए आईआईटीज में फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास आईएसएम धनबाद का पिछले बार का एमटेक एडमिशन 2021 के सारे कट ऑफ्स हैं, और मेरे पास राउंड वन से लेके राउंड डी यानी कि स्पेशल राउंड्स तक के सारे कट ऑफ यहाँ मौजूद हैं, और ये हर ब्रांचेस के कट ऑफ्स हैं कैटेगरी वाइज। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं आईएसएम धनबाद में, वो है इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, जियो एक्सप्लोरेशन, अर्थक्वेक साइंस, और ये सारी ब्रांचेस आप शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट शायद ये आईएसएम धनबाद में ही मिलती हैं, हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। जैसे कि माइनिंग हो गया, फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो गया, शायद आईआईटी रुड़की में है, आईएसएम धनबाद में है। तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे मैकेनिकल का दिखा देता हूँ। मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ इसीलिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी का जो राउंड वन का कट ऑफ गया है वो 731 गया है, और ये लास्ट गेट स्कोर है। इतने दिस इज द लास्ट गेट स्कोर जहाँ तक सीट ऑफर हुई है। अनरिजर्व में 731 है, फिर ईडब्ल्यूएस में 676, ओबीसी में 686, एससी में 484, एसटी में 366। तो ये था राउंड वन का रिजल्ट। अब आगे बढ़ते हैं राउंड टू के रिजल्ट में। तो ऑब्वियस ही बात है कि हर राउंड में जो कट ऑफ्स हैं वो थोड़े थोड़े डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये आपके पास पूरा का पूरा डेटा है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं जो इसकी पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये राउंड टू का रिजल्ट हो गया है। मैं एक एक करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि एक एक करके मैं सबका गेट स्कोर बताऊं इस ब्रांच का, आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा। तो ये था राउंड टू का रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं राउंड थ्री के रिजल्ट की ओर। तो ये था राउंड थ्री का रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ सीटें जो है वो सीटें भी कम होती हैं और गेट स्कोर भी कम होता जाता है। तो आपको वेट करने की दरकार है, आप वेट करें, आपको आगे के राउंड्स में पक्का ही अच्छा जो आपको ब्रांच चाहिए वो जरूर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं राउंड फोर के रिजल्ट की तरफ। तो ये नॉर्मल राउंड्स का सेकेंड लास्ट राउंड होता है, और इस राउंड तक ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आपने किसी सीट को दो बार रिटेन कर लिया है, अब आप तीसरी बार उस सीट को रिटेन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन रहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं वो सीट को रिजेक्ट कर दूं तो आगे चल के मुझे कोई सीट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, इसकी भी है ना काफ़ी डाउट रहती है। और अगर एक्सेप्ट कर लूँ तो इस बात का भी मलाल होता है कि अगर आगे हो सकता था मुझे और अच्छी ब्रांच मिल जाती जो मैं चाहता था। तो इस समय काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के मन में। तो ऐसे में काफ़ी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, ये आपकी समझदारी होगी। उसके बाद राउंड फाइव के तरफ आते हैं। ये नॉर्मल राउंड्स का लास्ट राउंड होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गेट स्कोर हर राउंड्स में डिक्लाइन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं राउंड ए की तरफ। ये आईएसएम ने से राउंड सिक्स लिखा है, ऐसा कोई राउंड सिक्स करके नहीं होता है, सीओएपी में ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसे राउंड ए कहते हैं। ये स्पेशल राउंड होता है, और इस राउंड में रिटेन का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट या जैसे भी करके आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी आपको प्रोग्राम ऑफर होने वाली है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ कैटेगरीज की सीटें फुल हो चुकी हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि जियोलॉजी में एससी, एसटी, ओबीसी, और फिर फार्माक्यूटिकल में आप देख सकते हैं, फिर फ्यूल्स में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एसटी की सीटें खत्म हो गई हैं। तो इन राउंड्स में काफ़ी सीटें खत्म भी होने लगती हैं, तो काफ़ी सोच समझ के आपको अपना डिसीजन लेना होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं राउंड सेवन में। हाँ, अब इन्होंने राउंड इसको बी लिख दिया है, पहले जो गलती की थी इन्होंने राउंड सिक्स लिख के वो उन्होंने सुधार की है। हाँ, अब हम देख सकते हैं कि काफ़ी जगह सीटें ब्लैंक हैं, यानी कि ये सारी सीटें भर चुकी हैं और इसमें फर्दर एडमिशंस अब नहीं हो रहे हैं। तो अगर मैकेनिकल की बात करें तो इसमें अभी तक सारे कैटेगरीज में अभी तक सीटें कुछ ना कुछ खाली हैं, पर आप देख सकते हैं कि कितना कम कट ऑफ गया है, खास करके अगर एस सी एस टी की बात करें तो 344, 240, इतना कम गेट स्कोर पे भी बच्चों का एडमिशन हुआ है। यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी में भी 634 एक डिसेंट स्कोर है, इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड लास्ट राउंड जो है, राउंड सी है स्पेशल राउंड का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ सीटें एकदम ब्लैंक हो गई हैं, मतलब इस राउंड तक सीटें भर गई थी। और हाँ, और कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों लिखी है, क्या इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है।
तो शायद से जैसा कि मुझे पता है कि स्पेशलाइजेशन आपको एडमिशन होने के बाद ऑफर होती है। फिलहाल एक कॉमन सी ब्रांच रहती है मैकेनिकल, जिसमें सारे बीटेक मैकेनिकल ग्रेजुएट्स का एडमिशन होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एसटी की सीटें खाली हो गई हैं। और अब हम फाइनल राउंड की ओर बढ़ते हैं। तो फाइनल राउंड था, इसके बाद एडमिशंस क्लोज हो गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना भी चालू कर दिया गया था इनका। तो अब एक चीज आपने गौर किया होगा कि आप राउंड सी में देखें, तो राउंड सी में यहाँ पे फ्यूल्स, मिनरल्स, माइनिंग इंजीनियरिंग की सीटें पूरी की तरह खाली हो गई थी। बट राउंड डी में, जो जो कि फाइनल राउंड था, वापस से वो सीटें स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि राउंड सी के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने सीट छोड़ दी, और उस सीट को भरने के लिए उन्हें एक बार लास्ट टाइम के लिए राउंड डी में चालू किया गया था। तो ये फाइनल गेट स्कोर था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मिनिमम गेट स्कोर क्या था कि जिसपे लोगों का एडमिशन हुआ है। तो ये अगर मैकेनिकल का मैं लास्ट बार बोल देता हूँ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में था, 602 जो था लास्ट गेट स्कोर था, इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं हुआ था। तो इस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और आप रिटेन ऑप्शन जो आपको सीओईपी में मिलता है उसका भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और अच्छे से अपनी ब्रांचेस को सिलेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।